अनियंत्रित हंसने की बीमारी, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, इनको अनकंट्रोल लाफ्टर, मतलब अनियंत्रित लाफ्टर, हंसते हैं। अभी वो मस्तिष्क में कोई बीमारी हो सकती है, उसके कारण हो सकता है कि भाई मतलब ब्रेन में खून जो है वो कम, उसका सप्लाई कम हो जाता है और उसके कारण, या भेजे का कोई हिस्सा जो है वो उसका डेथ हो जाती है, मतलब वो हिस्से का वो मर जाता है वो कुछ हिस्सा उसके कारण, या भ्रमिष्ट जो आदमी हो जाता है, मतलब अब मतलब डिमेंशिया जैसा होता है वो, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, उसमें ऐसा हो सकता है, अनकंट्रोल लाफ्टर उसमें होता है। तो एक तो भेजे की बीमारी हो सकती है और दूसरा जो है वो मतलब स्किजोफ्रेनिया में हो सकता है कि उसको इमोशनल अनकंट्रोल इमोशंस है उसके, वो रोता भी है और हंसता भी है। तो मैं आपको जो पेशेंट बताने वाला हूँ, देखिए उसका इंटरव्यू है कि वो है स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट, मगर उसको ऐसा अंदरून एकदम ऐसी हंसी आती है ना, वो हंसते रहता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके साथ साथ वो बड़बड़ भी कर रहा है, नींद भी नहीं आ रही, काम भी नहीं कर रहा है। और ये देखिए, आप जरा देखिए, गौर से देखिए इसके तरफ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, काय होना ला, निकालो काय होते, हिंदी में बोलो, हिंदी में बात करो। क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है? हंसी आती है। हाँ, और नींद ज्यादा आती है। नींद ज्यादा आती। और क्या होता है? रोना पड़ता, रोना आता है। हाँ, ये निकालो, हाथ निकालो मुंह में से। क्या होता है? गोया होते, इधर देखो। हाँ, और क्या तकलीफ है? गोया होते दुनिया। हाँ, और क्या होता बताओ? तकलीफ कुछ। हाँ, तकलीफ कुछ, तकलीफ कुछ। हाँ, दुनिया। हाँ, हंसी आ रही ज्यादा। हाँ, ठीक है, इधर आइए आप, बताओ और क्या होता है? ऐसे आओ इधर। हाँ, क्या होता है इनको? हिंदी में बोलो, हिंदी में जैसा जैसा आता वैसा बोलो हिंदी में। हंसा आते, हंसी आती है। रात्र भर, रात्र दिवस घूमता, फिरत रहता, घूमते रहते रात भर। और नहीं, नींद नहीं आती। और नहीं, और क्या होता? जो दल है एक से दो महीने, एक दो महीने हो रहे ऐसा हो रहा। लोकर खाने वाले डॉक्टर गोड़े खाने से गोड़े ही ना सर, व्यायाम करना है, व्यायाम करना है, पार्टी उठोन व्यायाम करना है। हाँ हाँ, ठीक है, शायद रहने से सब जाते थे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि भाई ये ब्रेन की बीमारी है क्या, तो इसमें सीटी स्कैन करना और बाकी इन्वेस्टिगेशन की जिससे ब्रेन के ऊपर असर हुआ है वो देखना पड़ेगा। ज़्यादा उम्र होने के बाद में भी ऐसा हो जाता है, जैसा 80-85 साल की उम्र हो जाती है, लेबिलिटी होती है, मतलब भावनाएं जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है और फिर ऐसी हंसी आती रहती है, या फिर स्किजोफ्रेनिया में होता है। तो ये जो पेशेंट है, इसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया और डायग्नोसिस ये किया कि इसको स्किजोफ्रेनिया है, मतलब छिन्न मानस या स्प्लिट पर्सनैलिटी, दुभंग व्यक्तिमत्व, ऐसी बीमारी इसको है। इसका इलाज हो सकता है, इसको हम टैबलेट्स वगैरह देते हैं और उसका इलाज करके पेशेंट कम्प्लीटली अच्छा हो सकता है। हमारा जो मिशन है वो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। बेल के ऊपर आइकॉन जो है बेल का, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे यहाँ है ना, लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी फ़ोन करते रहते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लोग पेशेंट को लेके आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में बिना रिश्तेदार हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं और इनका इलाज हम करते हैं। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।